गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम टिफिन में आलू भिंडी की एक बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनाएंगे और इसे हम बिल्कुल अलग मसालों के साथ बनाएंगे और फिर भी हमारी भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और मैं जितने भी एप्रन, रोटी मैट, रोटी बास्केट यूज़ कर रही हूँ वो सब फ्लोरिना ब्रांड का है और इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग वेराइटी भी मिल जाएगी। और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, मशीन में भी आप आसानी से वॉश कर सकते हो, किसी के भी कलर नहीं निकलेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो व्हाट्सएप करके आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। और फ्लोरिना का ये रोटी बास्केट भी बहुत अच्छा है, इसमें रोटी थोड़ी देर गर्म भी रहेगी तो ये भी बहुत अच्छा है। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हम भिंडी को इस तरह से कट करेंगे। अब भिंडी के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। तो मिक्सी जार में थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ लेंगे, सूखा धनिया और सफ़ेद तिल लेंगे। अब इसे हम महीन पीस लेंगे। तो मसालों को हमने पीस लिया है और आलू को भी मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट के लिए चाय भी बना लूँगी। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम आलू डालकर फ्राई करेंगे और आलू गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे। उसी तरह हम भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर भिंडी भी फ्राई हो गई है तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे। तो बाकी की भिंडी भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भिंडी भी फ्राई हो गई है तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में तेल ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा तेल हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ा सा ही तेल रखना है क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई किया है तो इसमें ज़्यादा तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब राई जीरा का तड़का देंगे और हींग ऐड करेंगे और हमने जो मसाले पीसे थे इसे भी इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब उसी के साथ हम आलू और भिंडी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे तो बेसन इसमें भुन जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक, हल्दी और धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और सबसे आखिर में थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रहने देंगे ताकि हमने जो बेसन ऐड किया है इसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 मिनट के बाद हम भिंडी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सुपर टेस्टी मसाला आलू भिंडी रेडी है। तो गैस बंद कर देंगे और सबसे आखिर में इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनी है। तो इस सब्जी में मैंने बेसन कच्चा ही लिया था लेकिन आप चाहे तो इसे ड्राई रोस्ट करके भी यूज कर सकते हो और इस तरह से बनाई गई भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरी रोटी भी बन गई है और रोटी को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर उड़ी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रोटी और आज भिंडी की सब्जी ड्राई है तो साथ में पीने के लिए दाल बनाई है। तो ये है गुजराती दाल और ये है मज़ेदार आलू भिंडी और ये है गुजराती स्टाइल आथेला मरचा। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो मुझे भी आइडिया आएगा।